वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान कहते हैं खिलाने वाला चाहिए, खाने को तो हम तैयार हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अक्सर इंसान कहता है कि हम प्रभु को भोग लगाते हैं और प्रभु भोग नहीं लगा सकते, मतलब कि हमने भोग तो लगाया लेकिन मन नहीं है, तो ऐसा भोग प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं। ये मैं कथा आपको वृंदावन धाम की लड्डू गोपाल की कथा आज सुनाने वाला हूं कि लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल नाम क्यों और कैसे पड़ा। ये कथा आज से 200 साल पुरानी कथा है, आप लोग जानते ही हैं, बांके बिहारी लाल मंदिर। जब रात हो जाती है तो वहां के पंडित प्रभु का बिस्तरा लगाते हैं और उनकी साफ सफाई करके एक लोटा जल और चार लड्डू रख जाते हैं कि प्रभु को रास लीला करते करते कहीं भूख लग गई तो इसका भोग लगा ले। मन से चढ़ाया हुआ प्रसाद जब भक्त सुबह मंदिर के कपाट खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि पूरे बिस्तर पे लड्डू बिखरे हुए होते हैं। जिस अवस्था में रखे होते हैं उस अवस्था में कभी भी नहीं मिलते। यह कार्य वहां के एक पंडित जी निरंतर कई सालों से करते रहते थे और बड़ी श्रद्धा थी उनमें। किसी कारणवश एक दिन वह लड्डू चढ़ाना भूल गए। जिस लड्डू की दुकान पर वो लड्डू लेकर आते थे वह लड्डू की दुकान भी बांके लाल बिहारी के मंदिर के कुछ दूर समीप ही है। ना तो पंडित जी लड्डू लेने गए और ना ही हलवाई ने लड्डू भेजे। ये प्रभु की लीला होनी है ना, जब तक लीला नहीं होगी तब तक मजा कैसे आएगा। प्रभु हमेशा लीला ही तो करते हैं, हम मनुष्य भी तो एक लीला ही कर रहे हैं। जब रात को भगवान को भूख लगी, एक बाल का रूप, छोटे बालक का रूप धारण करके उस हलवाई की दुकान पर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे चार लड्डू दे दो। वो हलवाई बहुत परेशान होता है, कहता है मेरी दुकान में एक भी लड्डू नहीं है, जितने लड्डू थे वो सब मैं बेच चुका हूं। थोड़ी देर हट करने के बाद में हमेशा भगवान ने बाल अवस्था धारण किया तो हलवाई को कहने लगे, अंदर जाइए तो सही, चार लड्डू मेरा इंतजार कर रहे हैं। पंडित जी भी जिद करने लगे, हलवाई भी जिद करने लगा कि अंदर लड्डू नहीं है, मैंने जितने लड्डू बनाए थे सारे बिक चुके हैं। बहुत देर तक वार्तालाप होती रही, आखिरकार हलवाई ने जब दुकान खोली तो क्या देखता है कि जो लड्डू बांके लाल बिहारी जी के पास जाने थे वह लड्डू वहीं पड़े हैं। उन्होंने वो लड्डू उस बालक को दिए। बालक कहने लगा कि महाराज मेरे पास तो पैसे हैं नहीं,
हलवाई कहने लगा, बिना पैसे के तो मैं कुछ भी नहीं देता। पैसे लेकर आओ और लड्डू ले जाओ। लेकिन वो तो भगवान है ना, भगवान को पैसों की क्या जरूरत। उनके हाथ में सोने के कंगन आभूषण लदे हुए थे। उन्होंने एक कड़ा उतारा और हलवाई को दिया और कहने लगे, ये रख लो। हलवाई हट करने लगा कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे आभूषण नहीं चाहिए। प्रभु ने कड़ा उतार कर और उसकी दुकान में फेंक दिया। जैसे ही हलवाई नीचे झुका कंगन उठाने के लिए, और प्रभु वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब ये बात सुबह जब मंदिर के कपाट खोलते हैं, चारों तरफ हल्ला मच जाता है कि बांके लाल बिहारी जी के कंगन चोरी हो गए। आप लोग जानते ही होंगे कि बांके लाल बिहारी जी का जहां मंदिर है वह परिसर बहुत बड़ा नहीं है। धीरे धीरे करके सब लोगों को पता चला। जैसे ही हलवाई को पता चला, वह पंडित जी के पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, क्या यही वो कंगन है? पंडित जी पहचान गए और कहने लगे कि आपने चुराए हैं। तब हलवाई जी कथा सुनाते हैं कि रात को हमारी दुकान पर एक बालक आया। उस बालक ने हमसे चार लड्डू लिए और ये कंगन देकर चला गया और कहने लगा, सुबह मेरे पिताजी आएंगे और आपको पैसे देकर ये कंगन ले जाएंगे। इतनी बात सुनते ही पंडित जी के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कहने लगे कि मैं इतना स्वार्थी हो गया कि प्रभु को हलवाई की दुकान तक जाना पड़ा। क्या कारण था? मैं इतना लोभी हो गया कि मैं प्रभु का ध्यान रखना ही भूल गया। आंसुओं की धार गंगा बहती रही, रोते रहे। हलवाई जी भी रोते रहे। उस दिन के बाद हलवाई जी अपनी दुकान से लड्डू लाते हैं और एक भी पैसा नहीं लेते हैं। उनके लाए हुए लड्डुओं से ही भोग लगता है। भोग लगने का मतलब है कि रात्रि के समय जो चार लड्डू चढ़ाए जाते हैं वो आज भी उन्हीं हलवाई की दुकान से लाए जाते हैं। तो शिक्षा क्या मिली? जहां पे जरा सी चूक हुई, भगवान अनुरुष्ट हो जाते हैं और स्वयं ही अपना कार्य करने के लिए निकल पड़ते हैं। सच्चे मन से श्रद्धा से जो भी भोजन बनाएंगे उन्हें कोई छप्पन भोग की जरूरत नहीं है, अनेकों पकवान की जरूरत नहीं है। आप चाय बिस्कुट का भी भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद वो प्रसाद हो जाता है। दाल रोटी बनाइए, प्रभु को सिमरन कीजिए, प्रभु को भोग लगाइए। जितने टाइम आप भोग लगाते हैं उतने टाइम प्रभु का भोग लगाइए, प्रभु का सिमरन कीजिए,